हाँ जी, तो गैस बज गया रात का एक और नींद आ रही है बहुत तेज। लेकिन एक ऐसा इशू था, नई वाली SSD है T7, इसमें एक इशू आ रहा था। अब तक मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि मैं इसका जो इसके साथ सॉफ्टवेयर आना था इसको लॉक करने के लिए, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाने के लिए, वो काम नहीं कर रहा था मैकबुक M1 वाले मॉडल्स में। तो करना क्या है, अब हमें इसको, मैं यहाँ से बंद करता हूँ और आपको जाना है सिस्टम प्रेफरेंसेस में। सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप जाएंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और यहाँ पे देखो आप, योर करंट सिक्योरिटी सेटिंग प्रिवेंट द इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम एक्सटेंशन। तो सैमसंग के जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम इंस्टॉलेशन है उसको ये प्रिवेंट कर रहा है, जो हमारी सिक्योरिटी सेटिंग है मैक OS बिग सर की। और इसको इनेबल करने के लिए पहले मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ और अपना टच ID से ऑथेंटिकेट करता हूँ अपने आप को, और इनेबल सिस्टम सेटिंग एक्सटेंशन। अब ये सेटिंग मुझे इनेबल करनी होगी, ये मेरे को मिलेगी तो सबसे पहले मुझे करना होगा सिस्टम को शट डाउन और जाना होगा रिकवरी मोड में। वहाँ स्टार्टअप सिक्योरिटी यूटिलिटी में मेरे को जो कर्नल है उसको इनेबल करना पड़ेगा, जो कर्नल एक्सटेंशन है। मैं अभी इसको नॉट नाउ करता हूँ और ये बंद करता हूँ। उससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ, उस सेटिंग को इनेबल करने से पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सैमसंग के सॉफ्टवेयर को। उस सेटिंग को पहले इनेबल करते हैं वहाँ से, और उसके बाद हम इसको करेंगे क्लीन इंस्टॉल। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले करना होगा सैमसंग सॉफ्टवेयर के लोकेशन पे मैं गया, यहाँ पे सबसे पहले वाला क्लीन अप स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, इस स्क्रिप्ट को हमें चलाना है जिससे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस स्क्रिप्ट को मैं चला देता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ, और ये स्क्रिप्ट एरर इसलिए आ गया क्योंकि ये अनइंस्टॉल हो चुका है, तो ये अपनी लोकेशन पे बचा नहीं है, तो इसलिए इसने एरर दे दिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से सैमसंग का सॉफ्टवेयर जा चुका है। अब मैं जा रहा हूँ शट डाउन करने सिस्टम, और आगे का प्रोसेस आप कैमरे की रिकॉर्डिंग से देखेंगे। शट डाउन है, लेकिन अपना जो टच ID है उसको कंटिन्यू होल्डिंग फॉर स्टार्टअप ऑप्शंस। जब तक यहाँ पे लोडिंग स्टार्टअप ऑप्शंस ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं इसको, तब छोड़ सकते हैं। तो अभी दिख रहा है यहाँ पे लोडिंग स्टार्टअप ऑप्शंस, तो अब ये रिकवरी मोड में जा रहा है। macOS रिकवरी आ चुका लिखा हुआ, और इसके बाद हमें जाना है यहाँ से सिक्योरिटी पॉलिसी में। हाँ, यहाँ पे आपका जो माउस पैड है टच पैड, वो टच काम नहीं करेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन है फुल सिक्योरिटी जिस पे ये क्लिक है अभी, हमें इसको पहले रिड्यूस सिक्योरिटी पे जाके और हमें अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ यूज़र मैनेजमेंट ऑफ कर्नल एक्सटेंशन फ्रॉम आइडेंटिफाइड डेवलपर्स। तो जितने भी एप्पल ने पहले से ऑथेंटिकेट कर रखे हैं या कभी भी उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, उन सारे डेवलपर्स को हम अभी कर्नल एक्सटेंशन में अपनी उनको अलाउ कर रहे हैं मैनेजमेंट के थ्रू। अलाउ एनी वर्जन ऑफ साइंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एवर ट्रस्टेड बाय एप्पल टू रन, और मैंने यहाँ पे किया ओके। मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करना है, यहाँ पे टच काम नहीं करेगा, और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को अप्लाई करने के बाद हमें करना है रीस्टार्ट। तो सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है, अभी मैं ऊपर एप्पल पे जाऊंगा और मैं करूंगा इसको रीस्टार्ट। हाँ, तो अब हमें वापस से इसका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करेंगे, पहले हम रिमूव करिए और अपना सैमसंग सॉफ्टवेयर वापस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करा मैंने, अग्री करा, इंस्टॉल किया, पासवर्ड डाला, तो गाइज अब यहाँ पे बोल चुका है अ प्रोग्राम हैज अपडेटेड सिस्टम एक्सटेंशन साइंड बाय सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, टू फिनिश अपडेट यू मस्ट अप्रूव इट इन सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सिस्टम प्रेफरेंसेस। ठीक है, ओके करेंगे हम इसको और इसको अप्रूव करेंगे। अभी ये रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है एक बार, पता नहीं मुझे रीस्टार्ट शायद करना ही पड़ेगा, उसके बाद इसको अप्रूवल दे पाएंगे शायद हम, या एक बार चेक करता हूँ। सिक्योरिटी सेटिंग्स में गया मैं, हाँ
तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आ चुकी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रॉम डेवलपर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ बीन अपडेटेड। तो अब यहाँ मैं इसको क्लिक करके इसको अप्रूव कर सकता हूँ और इसको अलाउ कर सकता हूँ। ये मैंने किया, इसको अलाउ, पासवर्ड डाला अपना, सिस्टम रिक्वायर्ड एक्सटेंशन कैन बी यूज्ड, ठीक है कोई नहीं, एक बार इंस्टॉलर कैंसिल, ओके। तो पहले रीस्टार्ट ही कर लेते हैं, इसको कीप करेंगे। अरे यार तो सिस्टम रीस्टार्ट ले चुके हैं एक बार, तो मैं गया एक बार सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, तो यहाँ से वो हट चुका है सैमसंग वाला, तो दैट मींस वो अलाउ हो चुका है। तो अब जब हम सैमसंग का सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो ये नो करा, एक बार रिमूव करके लगा देता हूँ। और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये चल गया। अब हमें बोल रहा है ये सेटिंग्स में जाएंगे हम और सिक्योरिटी को करेंगे ऑन, और मुझे यहाँ पे पासवर्ड देना है अपना, करता हूँ डन। और मेरी SSD अब हो गई है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। एक बार रिजेक्ट कर लेता हूँ, मैंने अपना दिया इसमें पासवर्ड और ये हो गई अनलॉक। अनलॉक होने के बाद मुझको मेरी फाइल्स दिखनी चालू हो गई। और हो सकता है आपका कुछ और इशू भी हो, बट एटलीस्ट ये इशू होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना प्लीज़। और मैक के कोई एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ भी देखनी है तो मैं कवर करने वाला हूँ जल्दी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर।